भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ता है। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा, हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है? ये हवा चलती है, तूफान आता है तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें टिकाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी है।